नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल न्यूज़ 24। कभी लालू राज से चर्चित रहा बिहार में, नीतीश सरकार की भी सुर्खियां कम नहीं है। आइए हम देखते हैं बिहार में सर्व शिक्षा अभियान की हकीकत। जी हां, इसके लिए हम आपको ले चलते हैं सहरसा जिले के बनमा इटहरी प्रखंड में। इस प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय किसी गाय भैंस के तबेले से कम नहीं है, पर सरकार अपनी डफली बजाने में मशगूल है। आपको बतला दें कि इस विद्यालय में 600 से अधिक बच्चे नामांकित हैं, पर आते 6 बच्चे भी नहीं हैं। वही हाल यहाँ शिक्षकों का भी है। अब स्थिति यह है कि ग्रामीण यहाँ अपनी गाय भैंस और घोड़े को बांधकर इसे पूरी तरह चारागाह में तब्दील कर चुके हैं। वहीं विद्यालय के भवन में चारा काटने की मशीन और गाय को खिलाने के लिए भूसा वगैरह भी रखा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि एक विद्यालय जहां 600 से अधिक बच्चे नामांकित हैं, वह तबेला कैसे बना? आखिर सरकार की इस पर नज़र क्यों नहीं गई? अब इसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापिका शोभा कुमारी की माने तो गांव वाले दबंगई करते हैं, वहीं गांव वालों की माने तो शोभा कुमारी की दबंगई चलती है, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। स्थिति जो भी हो, यह जांच का विषय है और बिहार में सर्व शिक्षा अभियान की धज्जियां उड़ रही है। इसका ये सब जिम्मेदार है, सब गेट जो है एक भी गेट ने लगा हुआ है, मतलब जो भी गेट है सब गेट जो है खुला हुआ है। अगर गेट खुला हुआ है तो यहाँ पे घोड़ा बाउंड्री नहीं है, तो यहाँ पे घोड़ा भैंस जो भी आएगा तो उसमें घुसिए जाएगा ना। ऐसे खुला हुआ रहता, बगल में तालाब है, तालाब से निकल के आता है बस घुस जाता है, उसमें जो है गेट नहीं है तो वो उसमें घुसने का काम कर भी नहीं करेगा भैंस। घास काटने का मशीन भी लगा हुआ है, घास काटने का कोई यहाँ पे रखा होगा मशीन, मतलब अनुमति होगा तब न रखा होगा। बिना अनुमति के HM है, इसके बिना परमिशन से कोई आयोजन नहीं हो सकता है ग्राउंड में, तो इनके बिना अनुमति के आज आपके विद्यालय में कुल कितने बच्चे आए? आज तो बच्चा नहीं है, 4-5 बच्चा था। कुल कितने बच्चे नामांकित हैं? 31। आज कितने आए हैं? आज अभी तो प्रेजेंट में 4-8 था, देखिए अभी देखिए बगल में आया पाए बच्चा सब हट गया, एक जो उस टोला का था वो प्रेजेंट था, बाद बाकी सब बच्चा। विद्यालय में गाय भैंस घोड़ा बांधा जाता है? एकदम बांधते हैं, इसके लिए हमको सब कर्म कर दिया है, गाली गुप्ता मारपीट भी करने के लिए तैयार है, हम FIR भी किए हैं सर। हम अथी क्या कहते हैं SDO साहब वीरेंद्र कुमार जी थे, वो भी आए हैं, वेरिफिकेशन किए, BDO साहब किए, सब आदमी किए हैं, ये सब किए हुए हैं सर। ताला तोड़ देता है, ये करता है, सब चीज का हमारे पास आए सर। कुल कितने बार बार? कुल कितने 13 है। आज कितने आए? आज 5 प्रेजेंट हैं, 2 ट्रेनिंग में है, 8 आकस्मिक अवकाश महीना की लास्ट है, सीएल बचा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरी नाम है शोभा कुमारी। विद्यालय का नाम? उत्क्रमित तो उच्च माध्यमिक कहिए या मध्य विद्यालय कहिए, OMS प्रसवन। Thank you.